हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं कर रही हूँ पैकिंग गांव जाने के लिए। नोनी और मैं जा रहे हैं गांव। अभी रात के टाइम हुआ है, रात का नौ शायद 2 बजे हुए हैं। मेरी पैकिंग हो चुकी है, मैं 2 या 3 दिन के लिए जा रही हूँ गांव में। नोनी को इंजेक्शन लगवाना है इसलिए जा रही हूँ। और पैकिंग हो चुकी है मेरी फिनिश, अभी नोनी आएगी। कहाँ जा रहे हो आप? पैकिंग हो चुकी है मेरी और मैंने ना बनाया है कटहल, क्योंकि जब मम्मी यहाँ आई थी तो तब ना कटहल नहीं मिल पाया था, तो कल मंडे मार्केट लगी हुई थी तो मैं कटहल लेके आई थी, तो मैंने मम्मी के लिए बनाया कटहल और कल पैक करके लेकर जाऊँगी गाँव में कटहल। क्या इसको पता नहीं क्या चाहिए, जैसे क्या चाहिए आपको? सोना है? सोना है क्या? सोना है, सुला दूं? नहीं आई है, चलो सुला देती हूँ। अरे वाह बाप रे, नोनी की आंखों में तो आंसू भी आते हैं भाई, आंसू आए हुए हैं भाई नोनी की आंखों में तो। अच्छा चलो निन्नी करवा देती हूँ। दूध दे दो थोड़ा सा आपको, है दूध दे दो। चलो चलो दूध देऊंगी, चलो दूध दे दूंगी आपको। चलो आप यहाँ बैठो, फैन ऑन कर दो, फैन ऑन करो, फैन ऑन करो, करो। यस ये फैन ऑन हो गया है। क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो। रो क्यों रहे हो आप, पहले ही बताओ। दे रही हूँ ना मैं आपको, दे रही हूँ ना दूध। चलो आप यहाँ बैठो, 2 मिनट, 2 मिनट यहाँ पे बैठो, मैं आ रही हूँ अभी। है अभी आ रही हूँ। तो सुबह के बजे हैं अभी 5 और मैं रेडी हो चुकी हूँ गांव जाने के लिए। मैं उठी थी 4 बजे, नोनी को मैंने रेडी कर दिया और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। बस रेडी होने के बाद अभी थोड़ी बहुत देर में कॉल आ ही जाएगी हमें गाड़ी वाले के जाने के लिए, तो हम अभी थोड़ी देर में निकल ही जाएंगे। बस 5 का टाइम हो चुका है। नोनी को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, वो भी रेडी होके अभी सोई हुई है, उसको मैं सोते हुए ही लेकर जाऊंगी। सो फाइनली हम निकल चुके हैं गांव के लिए और अभी सुबह के बजे हैं 6, तो हम 6 बजे निकले हैं घर से। हाँ, हमें जो टाइम लगेगा पहुंचने में वो 6 बजे हम निकले हैं, तो हम पहुंच जाएंगे 9 बजे तक, हम घर पे पहुंच जाएंगे। हमने रास्ते में रुक के भरवाया पेट्रोल, तब तक वहाँ नोनी ना खड़ी होकर देख रही थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो के उठी थी ना, तो इसको एकदम से लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं तो घर पे सोई हुई थी। इसको लगा ये मम्मा कहाँ लेकर आ रही हो मुझे। और पेट्रोल भराने के बाद हम फिर से निकल लिए हैं घर के लिए। अब हमारा जो सफ़र बचा है वो 1 घंटे का बचा है, 1 घंटे के बाद हम घर पहुंच जाएंगे। इसी बीच में नोनी को लगी भूख, तो मैं इसके लिए चिप्स, बनाना और कुछ खाने की चीज़ें लेकर आती हूँ रास्ते में, क्योंकि ये ना परेशान करती है, तो इसलिए मैंने इसको दिए खाने के लिए चिप्स। सो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, तो ये हमारा घर है और हम अपने घर पहुंच चुके हैं। देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं घर पे, कोई दिखा ही नहीं। ए खेलने में मस्त हो रही है बस। नोनी रख दो सारे खिलौने, इसमें रख दो थैले में। माँ जी ने सारे थैले में भर रखे हैं तेरे खिलौने। नोनी
या फिर ना गेर दे गाड़ी होगा तो गेर दे फिर ना दूध की हंडी में नोनी गाड़ी लेकर आओ नोनी गाड़ी गांव में आने के बाद मैं बन चुकी हूँ एकदम देसी गर्ल। अभी मैं मक्खन निकाल रही हूँ। वैसे मेरे को ये सब काम आते नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम। गांव में कितनी अच्छी चीज़ें होती है ना, मक्खन घर का होता है, दूध घर का होता है। दिल्ली में तो ऐसी कोई चीज़ें मिलती ही नहीं है, जो भी चीज़ें लेकर आओ वो सब चीज़ें बाहर से। नोनी घी निकलेगा आप यहाँ से तो मैं दिल्ली लेकर जाऊँगी मक्खन, नोनी घी भी बोलते हैं इसको गांव में। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ मक्खन निकालते हुए। नोनी मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रही है, नोनी को लग रहा है पता नहीं मम्मा क्या कर रही है, तो मेरे पीछे पीछे ही घूम रही है नोनी भी। ये कहीं जाती है ना मेरा पीछे ही नहीं छोड़ती, इसको ये होता है कि मैं ना पता नहीं कहीं चली ना जाऊं, किसी के साथ भी नहीं खेलती है। ये देखो इसके अंदर मक्खन है, अभी ये निकालना बाकी है अभी। इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ, निकालना मुझे आ नहीं रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने डायरेक्ट इसमें निकाल दिया, वैसे ना पानी में निकालते हैं मक्खन को धोने के बाद फिर भगोने में रखते हैं, मैंने डायरेक्ट इसमें छाछ के साथ ही इसी में डाल दिया। तो मम्मी मेरे को बोल तो रही थी ऐसे नहीं करते, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, पहले पानी भगोने में पानी लेते हैं उसके बाद निकालते हैं। सही में यार देसी लग रही है बिल्कुल, जैसे देसी लड़कियां होती है ना गाँव में। और ये मम्मी ने बनाए हैं पेड़े, थोड़ा खोया रखा हुआ है मम्मी ने, उसके लिए मैं बनाऊंगी घिया की लोच और थोड़ी सी जो गोले वाली बर्फी होती है ना वो बनाई है। और ये मैडम जी अपनी ही रामधुन में है, ये इस बोतल का पीछे ही नहीं छोड़ती है, 24 घंटे इसी के अंदर लगी रहती है, पानी पीने में लगी रहती है, बस जब देखो पानी पीने में लगी रहती है। तोड़ दिया है इसने इसका थर्मस को। और अब मम्मी बना रही है गोले वाली बर्फी और इधर गरम हो रहा है घी, जो मक्खन निकाला था ना उसको उबलने के लिए रख दिया है। कुछ भी नहीं करना है, ये घी बन रहा है यहाँ पे। पापा आए हैं अभी मम्मा को देखने के लिए, मम्मी क्या कर रही हैं। नानी क्या देख रहे हो आप? देखती नहीं है बिल्कुल भी टीवी। और ये गोले की बर्फी बनकर रेडी हो गई है, अभी मैं इसको काटूंगी। और रात के बज गए हैं 9, तो सब लोगों का बिस्तर लग चुका है। नोनी सोई हुई है, माझी की खाट उधर है। नोनी हेलो कर दो, हेलो। हे भगवान फीवर हो रहा है फिर भी हाय हेलो नहीं खत्म हो रही मेरे बेटे की तो है। हेलो
बेटा। नोनू क्या हुआ, फीवर हो गया मेरे बेटे का है? कल तक ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बाबू जब इंजेक्शन लगता है तो होता है ना फीवर, पापा को बता देना जाके आप घर, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया है। नोनू क्या हुआ बेटा?